Assalamu alaikum. Sab theek thaak? I'm also fine. Aaj hum discuss karenge FSC Biology Pairing Scheme Paper Pattern 2019 ki. Hum discuss karenge guest papers ko, hum discuss karenge paper pattern ko aur hum overall puri book ko dekhenge. लॉन्ग क्वेश्चंस में देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, एमसीक्यूज़ में देखेंगे. इसके साथ मैं आपको निशान भी लगाऊंगा. आज का जो पेपर है वो है हमारे पास बायोलॉजी का. ये पेपर किन लोगों के लिए है, किन स्टूडेंट्स के लिए है, किन बच्चों के लिए है, किन औरतों के लिए है, किन मर्दों के लिए है, किन गर्ल्स के लिए है, किन बॉयज़ के लिए है, किन मेल्स के लिए है, किन फीमेल्स के लिए है, इन सब के लिए हम डिस्कस करेंगे एफ एस सी बायोलॉजी पार्ट वन पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न एंड गेस्ट पेपर 2019 की. टोटल आपके पास जो एग्जाम्स आएगा बायोलॉजी का उसके मार्क्स हैं आपके पास टोटल 85. क्लियर. इसमें से डिवीजन फर्दर कैसे है, फर्स्ट प्योरिटी पे एमसीक्यूज हैं, ये आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा. ऑब्जेक्टिव में आपने क्या करना होगा, टिक 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 टिक, यानी कि कई तुके इस्तेमाल करेंगे, कई जिन्होंने पढ़ा होगा वो एक्यूरेट आंसर लगाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो अंदाजे से ऐसे ऐसे करके जहां पे हमारी फिंगर रुक गई वहां पे हम समझ जाएंगे कि हमारा जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है. यहां पे हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव की बात. ऑब्जेक्टिव आपके पास कितने मार्क्स का आएगा, सबसे पहले एमसीक्यूज की एक शीट आएगी. एमसीक्यूज में कितने एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज पेपर में आपके पास टोटल 17 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है. इसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में फर्दर हमारे पास टू सेक्शन होंगे, एक होगा हमारे पास सेक्शन वन जिसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, जिसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यहां पे हो गया हमारे पास सेक्शन वन. इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, इससे बाद आपके से पूछा जाएगा सेक्शन टू. सेक्शन टू में डिस्को डिस्कस करेंगे, सेक्शन टू में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सेक्शन वन में हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ये आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर वन, यहां पे आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर टू, यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री, यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है. इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस यानी कि लंबे लंबे सवाल, क्वेश्चन नंबर फाइव से सो ऑन, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है. ये हमारे पास कंप्लीट पेपर पैटर्न इस तरह का होगा. पेपर ओवरव्यू कर लें एक दफा. एमसीक्यू 17 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे 44 मार्क्स के, एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कितने मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आएंगे 24 मार्क्स के, ठीक है. टोटल जो मार्क्स हो गए हमारे पास 85. अब हम बात करेंगे मजीद इनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की. जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर वन की डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर टू होगा, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर टू के हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स आएंगे वो देखें. आपके पास क्वेश्चन नंबर टू के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व. अब ये क्वेश्चन नंबर टू के आपके पास कितने पार्ट्स आएंगे, आपके पास आएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स. क्या सुन रहे हैं मेरी बात, जी थैंक यू. क्वेश्चन नंबर टू के आपके पास कितने पार्ट्स आएंगे, क्वेश्चन नंबर टू के आपके पास, क्वेश्चन नंबर टू के आपके पास कितने पार्ट्स आएंगे, ऊंची बात से बोल लें जरा, टोटल 12 पार्ट्स आएंगे. फिर ऊंची बात से बोल लें जरा, टोटल 12 पार्ट्स आएंगे. फिर धीमी बात से बोलें जरा, टोटल 12 पार्ट्स आएंगे, ठीक है. अब ये टोटल 12 पार्ट्स किस चैप्टर में से आएंगे, कहां से नहीं आएंगे, कहां से तीन आएंगे, कहां से दो आएंगे, कहां से एक आएगा, इस टेबल को देखें. आप में से जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं वो ग्लासेस जरा यूं करके ऊपर कर लें, और जिनको ग्लासेस नहीं लगी हुई वो जरा आंखें खोल के इस टेबल को देख लें. इस टेबल में हर एक चीज मेंशन है, प्रॉपर मेंशन है, बिल्कुल एक्यूरेट मेंशन है, बिल्कुल सही मेंशन है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न मेंशन है. चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर 14 आपके पास टोटल चैप्टर है. इसके बाद एमसीक्यूज हर चैप्टर में से एक 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 दो 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 आएंगे.
इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं, ये कैसे आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी किस किस चैप्टर में से आएंगे, कहां से आएंगे, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी हम मजीद डिस्कशन अभी कंटिन्यू है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास क्या, टोटल 12 पार्ट्स में। अब ये कहां से आएगा वो देखें, ये आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, ये आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से, ये आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से, ये आएगा चैप्टर नंबर 8 में से, ये आएगा चैप्टर नंबर 10 में से। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 3, चैप्टर 8, चैप्टर 10 से 1, 1, 2, 2 सारी कलेक्शन होगी आपके पास 12 पार्ट्स की। ठीक हो गया, अब हम चैप्टर नंबर 1 की डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं और आएंगे कितने आपको उसको भी देखते हैं अभी, नो टेंशन। चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके पास डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मैराइन बायोलॉजी, व्हाट आर मिक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज पॉपुलेशन, गिव वन एग्जांपल। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसको आपने क्या करना है, लाजमी इसको पेपर्स के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर ले सकें और एक बड़ा डॉक्टर बन सकें, ठीक है, और मरीजों का भी इलाज कर सकें, अपने नेबर्स का भी इलाज कर सकें, ठीक है, उनकी जो ट्रीटमेंट जिस तरह भी आप लोग चाहेंगे वो आप लोग लाजमी कीजिएगा। अच्छा, ये यहाँ पे हो गए हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब देखें चैप्टर नंबर 2, ये बड़ा हल्का सा चैप्टर है, इसमें से सिर्फ एग्जामिनर एक क्वेश्चन देगा। अब चैप्टर नंबर 5 के हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पीशीज, गिव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, व्हाट इज बायोलॉजिकल नोमिकल्चर एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ नोमिकल्चर। लास्ट है हमारे पास वायरसेस आर इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कमेंट्स, इसके बारे में बताइए। यहाँ पे है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ से इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से लाजमी एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से, सॉरी चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 से आपके पास चैप्टर नंबर, सुन लें, चैप्टर नंबर 3 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर कंपलसरी है, इसी तरह बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 वेरी 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 कंपलसरी है। ठीक है, जैसे वो बिरयानी के साथ रायता टेस्ट अच्छा बनाता है, इसी तरह चैप्टर 1 और चैप्टर 5 के साथ चैप्टर 3 का कंपैरिजन भी अच्छा लगता है। चैप्टर नंबर 3 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। 1, 2, 3 ये आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं, बस एक मिनट के बाद आपकी स्क्रीन पर, जी जनाब आगे। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 3 के, मैं आपको बता चुका हूं चैप्टर नंबर 3 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो सुन ले क्या है, डिफाइन एग्जाइम्स, गिव आर रोल एंड एग्जाम्पल ऑफ एग्जाइम्स एक्टिवेटर्स। इसके बाद हमारे पास क्या है, एपोएंजाइम्स। इसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोस्टिक एंड एक्टिवेटर, डिफाइन प्रोस्टिक ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम कोएंजाइम्स, गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, व्हाट इज एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम्स। ये हमारे पास कंप्लीट होते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें से हमारे पास कोई लॉन्ग नहीं आना, ना कोई लॉन्ग आवे ना कोई लॉन्ग जावे, फजे दबावे। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 में से हमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फंजाई वाले चैप्टर में से आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1, 2, ये आएंगे चैप्टर नंबर 8 में से।
चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस, डिफाइन हाइफा, गिव टू टाइप्स ऑफ, स्टेट द रोल ऑफ फंजाइफ एंड एल्जी इन लीची फॉर ईच अदर्स। यहां भी हमारे पास कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज। लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग कैसी होगी, वन चैप्टर की पेयरिंग होगी फोर चैप्टर के साथ, सिक्स चैप्टर की पेयरिंग होगी सेवन चैप्टर के साथ, एट चैप्टर की पेयरिंग होगी नाइन चैप्टर के साथ। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सिरी पाए खाने के लिए नान जरूरी है, इसी तरह कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट करने के लिए चैप्टर नंबर 10 भी जरूरी है। अगर आपको चैप्टर नंबर 10 मुश्किल लगता है तो आप स्किप करने के हकदार हैं। उसकी वजह क्या है, सिर्फ 12 में से हमने कितने पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, बाकी आप स्किप भी तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सारे ही अच्छे करें, जो आपको मुश्किल लगता है उसको आप स्किप कर दें। ठीक है, अब देखें चैप्टर नंबर 10 के जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी रेशियो क्या है, 4, यानी कि एग्जाम्स में 4 क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 10 बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, 1 2 3 4 ये आ गया आपके पास चैप्टर नंबर 10। ठीक है, कलेक्टिवली देखें यहां से कितने आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से 2 आ रहे हैं। अगर आपने 1 5 3 8 भी कर लिया तो आराम से आपसे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। जरूरी इतना वजन आप लोगों ने उठाना है, तो इससे अच्छा चैप्टर 5 कर लें, 3 कर लें, 5 कर लें और 8 कर लें, चैप्टर 1 कर लें, तो आपसे जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो 8 आसानी से हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 10 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आप किसी जगह पे लिख लें, किसी रजिस्टर पे लिख लें, ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होने वाले हैं। बाद में ना कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं। जी चैप्टर नंबर 10, किंगडम एनिमिलिया, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडिकल एंड बैक्टीरियल सिस्टमैटिक, डिफाइन बिटवीन, हमारे पास डिप्लोस्टिक एंड ट्राइप्लोस्टिक एनिमल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटोसोम्स एंड ड्यूटोसोम विद पॉइंट्स, यहां पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इस्लामी आदत कंपल्सरी के शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या बताया गया है, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, पोइम्स, रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट, मोरल स्टोरीज, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। ये देखें, ये है हमारे पास फर्स्ट ईयर इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे शॉर्ट स्टोरीज, बटन बटन, क्लियरिंग इन द स्काई, डार्क, लेसन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 15 लेसन है तो 15 लेसन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लेज, प्लेज के 3 प्लेज हैं, तीनों प्लेज के इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, फिर एप्लीकेशन लेटर है। इसके बाद पॉइंट्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके बाद हमारे पास 1 to 20 पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हमारे पास क्या है, देखें, हाँ जी, रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट है, रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट के बाद हमारे पास मोरल स्टोरीज हैं, इसके बाद ट्रांसलेशन है, ये हमारे पास कंप्लीट इंग्लिश के नोट्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस, पॉइंट्स, मोरल स्टोरीज, पंक्चुएशन, रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जी हमारे पास फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर से कलेक्ट किए गए हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात कंपलसरी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है एंड मैथ्स है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश के एमसीक्यूज है हमारे पास। सबसे पहले सिनोनियम्स, ये है हमारे पास 1 to 20 चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके बाद है हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर, ये आपको आएगी 5 मार्क्स की। इसके बाद है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है, चैप्टर 1 है हमारे पास, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, इसी तरह हमारे पास है चैप्टर 4, इसी तरह चैप्टर 5, और इसी तरह आपके पास फर्स्ट ईयर के लेसन में टोटल आपके पास कितने लेसन है, टोटल आपके पास 15 लेसन है, 15 लेसन के सिनोनियम्स हैं।
और इसके साथ हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर्स हैं, और इसके साथ हमारे पास 50 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो कि 5 साल पेपर से कलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद हमारे पास उर्दू के एमसीक्यूज हैं, उर्दू के एमसीक्यूज में हिस्सा है नसर है, इसके बाद शेरी इस्तलाहात में काफिया है, रदीफ है, मतला है, मखता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास क्लास 11 लेसन 1 उस्वाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद सेकंड वाली लेसन के हमारे पास 5-5 एमसीक्यूज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अपनी मदद आप तहत। इसके बाद सर सैयद अहमद खान के अखलाको हसाइल, ठीक है, ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेसन के। इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास किसके हैं जी, मरूजी हैं हमारे पास, किसकी काफिया है, रदीफ है, मतला है, मखता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हैं इस्लामियात कंपलसरी के, इस्लामियात कंपलसरी में आपके पास टोटल 4 बाप हैं। सबसे पहले बाप अवल बुनियादी अकायद, बाप दोइम, बाप सोइम, बाप चहारम, ठीक है। बाप अवल के हमारे पास टोटल एमसीक्यूज हैं, देख सकते हैं आप, इस तरह बाप दोइम के हैं, इसी तरह बाप सोइम के हैं, और इसी तरह बाप चहारम के भी हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एफएससी प्री मेडिकल का, प्री इंजीनियरिंग का एंड आईसीएस फिजिक्स का, वो है हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स के आपके पास टोटल कितने चैप्टर हैं, फिजिक्स के आपके पास 1 to 11 टोटल चैप्टर हैं। इन 11 चैप्टर्स के हमारे पास इंपॉर्टेंट, हाँ जी, एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। चैप्टर 1 के हर एक चैप्टर के 20-20 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। ये देख ले, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 3 के हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सप्लियां गेन करने वाला सब्जेक्ट है हमारे पास केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के टोटल आपके पास 11 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के तकरीबन 10 या 20 एमसीक्यूज हैं जो कि पास पेपर से बड़ी मेहनत से कलेक्ट किए गए हैं। ये आ गया केमिस्ट्री, ये आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है हमारे पास, चैप्टर 3 है हमारे पास, चैप्टर 4 है हमारे पास, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, ये हम बात करने लगे हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के कम से कम 20-20 एमसीक्यूज हैं हमारे पास। चैप्टर 1 है हमारे पास, चैप्टर 2 है हमारे पास, ये देखें चैप्टर 3 है हमारे पास, इसी तरह चैप्टर 4 है, इसी तरह चैप्टर नंबर 5 भी है, ठीक है। टोटल हमारे पास 14 चैप्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 चैप्टर के हमारे पास एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस का मेरा लेक्चर लाजमी देखिएगा, गेस्ट पेपर वाला, उसमें मैंने अच्छे ट्यूटोरियल्स वगैरह की डिस्कशन की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज की। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, और मैथ्स की हमारे पास सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये हमारे पास है मैथ्स के टोटल आपके पास 14 चैप्टर के, हर चैप्टर के या तो 10 एमसीक्यूज हैं या 15 या 20, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। इस वीडियो को लाजमी देखें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये नोट्स कैसे हमसे बाय कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास उर्दू, उर्दू की नज़में हैं, गज़लें हैं, खुलासे हैं, मरकजी ख्याल है, ये देखें क्लास 11 हिस्सा नज़म के इंपॉर्टेंट अशार है, हिस्सा गज़ल के इंपॉर्टेंट अशार है, सियाक व सबाक है, सलीस वगैरह है, तशरीह है, ठीक है। ये हमारे पास पैराग्राफ्स भी हैं, ये देखिए। इसके बाद हमारे पास अहम खुलासे हैं, मरकजी ख्याल है, दुरहास्ते हैं, ईच एंड एवरी उर्दू के सिलेबस से रिलेटेड नोट्स हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे जो बड़ा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, वो जिन सब्जेक्ट है, वो है हमारे पास मैथ। मैथ का हमारे पास क्या है, 1 to 14 चैप्टर है, ठीक है। मैथ पे ये देखें, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एफए के मैथ्स की बात कर रहे हैं, हम आईसीएस के मैथ्स की बात कर रहे हैं, हम एफएससी के मैथ्स की बात कर रहे हैं। वो कुछ समझ आ रही है लेडीज एंड बॉयज, देखें। अब चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसी तरह 1 to 14 चैप्टर के एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस को निम्न सवालों को और लंबे लंबे सवालों को डिस्कस किया गया है इस वीडियो के अंदर या इस नोट्स के अंदर, ठीक है।
यहां पे हमारे पास लास्ट तक है चैप्टर 14 तक, ये देखें चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन एंड चैप्टर नंबर 14 के ओनली ऑन है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स के है हमारे पास टोटल 11 चैप्टर, ठीक है। टोटल 11 चैप्टर में क्या है, चैप्टर नंबर 1 के देखें बैक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इनर वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये होगी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की बात, ये देखें। अब हम आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के बैक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनर शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2, इंपॉर्टेंट एग्जांपल चैप्टर नंबर 2, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, ये देख लें शॉर्ट क्वेश्चंस, इनर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स। कितने आपके टोटल चैप्टर हैं फिजिक्स के, फिजिक्स के टोटल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेल्स एंड फीमेल्स, देख के बताएं जरा फिजिक्स के आपके पास टोटल कितने चैप्टर हैं, 1 टू 11। हमारे पास नोट्स भी कहां तक हैं, 1 टू 11 तक, ये देखें। बैक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 11 के, एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में याद रखें, अगर वो बुक्स के बैक वाले क्वेश्चन से नहीं कैरी करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो इनर से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैरी करेगा जो कि इस नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। इस नोट्स को अभी मैं लास्ट में बताता हूं कि आपने कैसे बाय करना है और कैसे तैयारी करनी है और इसके लिए कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं, इसके लिए आप अजीम एकेडमी की बुक्स भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप टिप्स भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप सबसे माय फेवरेट बुक ब्रेन अप टू डेट भी यूज कर सकते हैं, इसके अजर वालों के गेस्ट पेपर भी यूज कर सकते हैं, ए प्लस नोट्स भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी हमारे पास किसकी बात, फिजिक्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सप्लियां गेन करने वाले सब्जेक्ट की कौन सी है, वो है हमारे पास केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप इन नोट्स से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला यू विल नॉट हैव एनी सप्ली इन एनी सब्जेक्ट। अब देखें चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इन नोट्स में हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लें यू विल गेन 90 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की, देखें शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसी के नीचे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, देख लें। अच्छा ये हो गया, अब कहां तक जा रही है, चैप्टर नंबर 11 तक जा रही है। चैप्टर नंबर 11 तक ये देखें, चैप्टर नंबर 11 भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बात होगी डॉक्टर्स की, इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर्स की, ठीक है। 1 टू 14 चैप्टर है आपके पास टोटल, ठीक है। ये देखें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 के बैक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के, और चैप्टर नंबर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के बैक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट जिसके हमारे पास जिसका कोई बॉक्स नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जामिनर के लिए फेवरेट सब्जेक्ट चैप्टर नहीं है जिसका कोई बॉक्स नहीं होगा। देखें चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट में बॉक्स है लेकिन लॉन्ग में बॉक्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 3 इज नॉट इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा अब हम इसके बाद बात करते हैं 1 टू 10 चैप्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का आपने क्या याद करना है, जिसने ICS कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो उसने आगे जाकर BCS करना है तो वो लाजमी नेट से YouTube पे ट्यूटोरियल लाजमी ले वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के। इसके अगर आपको मफीद मशवरे चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग इंजीनियरिंग फील्ड। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की 1 टू 10 चैप्टर्स की, देखें 1 टू 10 चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और यहां पे हमारे पास कितने हैं आगे टोटल 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे पास टोटल डिस्कशन होगी नोट्स की फर्स्ट ईयर के। अब देखिए अब अगर आपने इन सब नोट्स को अगर हम कलेक्ट करें तो देखें अगर आप इन सारे नोट्स को आप बाय करना चाहते हैं सारे नोट्स, ठीक है, अगर आप इन सारे नोट्स को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पे अपना नाम और अपना एड्रेस लिखिए और 2 दिन में ये सारे के सारे नोट्स आपके घर
भेज दिए जाएंगे और इन नोट्स की जो प्राइस है, इन नोट्स की जिसमें एफए है, एफएससी है, आईसीएस है, जिसको जो जो सब्जेक्ट चाहिए वो मंगवा ले, 1500 इनकी टोटल प्राइस है, ठीक है। इन नोट्स की जो टोटल प्राइस है वो है हमारे पास 1500। अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं, जो यू विल गेन इजीली 90 प्लस मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, दिल लगाकर मेहनत कीजिएगा। और एक और लाजमी बात याद रखें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी इसकी धूम मचा दे। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आपके पास पेयरिंग स्कीम आएगी वो आएगा आपके पास 6, 7, 9, 11 and 12 की, 11 and 12, ओहो 11 and 12, ठीक है। इसमें से भी आपके से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 and last one is 12, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सीक्वेंस में, 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने इसमें भी क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी रूल अप्लाई करना है, सिर्फ हमने 8 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने हैं, बाकी आप स्किप कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन से हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर वन से हमारे पास जी डिफरेंशियल, चैप्टर नंबर सिक्स है हमारे पास किंगडम प्रोक्रियोटिक, डिस्क्राइब 4 पोस्टुलेट्स ऑफ जीएम थ्योरी, व्हाट आर पिली, गिव दियर फंक्शंस, व्हाट आर माइसोसोम्स, राइट दियर रूल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर सिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। सिर्फ वन आएगा चैप्टर नंबर सिक्स में से। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सेवन, चैप्टर नंबर सेवन भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, इसमें से भी हमारे पास कोई लॉन्ग नहीं आना, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर सेवन, 1, 2, 3, 4 ये आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर सेवन में से। और चैप्टर नंबर सेवन के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास द किंगडम प्रोटिस्टिया डिफ्रेंशिएट करेक्टराइज गेन एम्बियो, नेम आ प्लास्टिक एम्बिया, व्हाट डिजीज इट केस करेक्टरिस्टिक्स। यहां पे हमारे पास चैप्टर नंबर सेवन के होते हैं कंप्लीट एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर नाइन की, चैप्टर नंबर नाइन से आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर नाइन से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 1, 2। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर नाइन से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर नाइन के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास जनाब जी, किंगडम प्लांटी, हाउ स्पोर्ट्स आर मियोसिस, डिफरेंट फॉर स्पोर्ट्स ऑफ लिविंग वर्क्स, डिफाइन पैराफीन्स, व्हाट इज द अल्टरनेट ऑफ जनरेशन, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, चैप्टर नंबर 11 से आपसे कितने पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 11 से, चैप्टर नंबर 11 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बायो इनर्जेटिक्स, डिफाइन बायो इनर्जेटिक्स, गिव एनी टू टाइप्स बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, गिव इट्स समरी इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास होते हैं कंप्लीट चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, चैप्टर नंबर 12 में से हमसे कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आएंगे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में से। और चैप्टर नंबर 12 के हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोरोसिस एंड व्हाट इट्स केस, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोरोफिक प्लास्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज डाइट्रस फीडिंग, गिव एग्जाम्पल। यहां पे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के होते हैं कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4
कि भी हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ठीक हो गया, ये आपके पास आएंगे, ये आएंगे आपके पास टोटल 9 पार्ट्स आएंगे और हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यस, हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स आएंगे और हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, कहां से आएगा ये आपके पास आएगा जनाब जी, 2, 4, 13 and 14, ठीक है। यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 4 के कितने पार्ट्स आएंगे, टोटल आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के 9 पार्ट्स आएंगे, किस किस चैप्टर में से आएंगे, चैप्टर 2, चैप्टर 4, 13 and 14। यहां से अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से एक ही आएगा। चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से हमें कितने आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 and 2। ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के हमारे पास टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 4 के, 4, 2 आने हैं। द सेल्स, राइट डाउन साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी, राइट डाउन एनी टू डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट होते हैं एमसीक्यूज, कितने आएंगे चैप्टर नंबर 4 से, हमें 2 करने पड़ेंगे। अब हमने आगे करना है चैप्टर नंबर 13 के, चैप्टर नंबर 13 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, चैप्टर नंबर 13 गैसेज एक्सचेंज, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक्स एंड सेलुलर डिस्पेरेशन, इज देयर वे इज बेटर डिस्पेरेटरी मीडियम देन वाटर। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के बहुत इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर कितने आएंगे हमसे, 4, 1, 2, 3, 4, चैप्टर नंबर 4 ये, यहाँ पे आएगा चैप्टर नंबर हमारे पास 13, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14, इट्स लार्ज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किधर चला गया भाई तू, आजा, ट्रांसपोर्ट। यहां पे डिस्क्राइब ब्रीफली सिंप्लास्ट पाथवे, व्हाट आर वाटर पोटेंशियल। यहां पे हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास है चैप्टर नंबर 14 के, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस किस पेयरिंग से आएगा, कहां से आएगा, किसका पेयर किसके साथ बनेगा, किसका पेयर किसके साथ नहीं बनेगा, वन वाले का सुन लें, अच्छी तरह सुन लें। चैप्टर नंबर 1 का जो आपके पास यहां पे आपसे आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट, ठीक हो गया। इसके बाद आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट, इसी तरह आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए एंड बी पार्ट, इसी तरह आएगा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 का ए एंड बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का ए एंड बी पार्ट, ठीक हो गया। ए ए में से आपसे क्या आएगा, यहां से आएगा चैप्टर नंबर 1 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं जी, चैप्टर नंबर 1 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन पॉपुलेशन कम्युनिटी लेवल और ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिटेक्टिव एंड इंडक्टिव रीजन विद, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प मेक काइंड मैन काइंड टू इंप्रूव प्रोडक्शन ऑफ फूड। यहां पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, इसका पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 14 के साथ, ठीक हो गया। चैप्टर 1 और चैप्टर 14 में से आपने ए और बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक हो गया, और हमने करने कितने हैं, सिर्फ
तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ए और बी पार्ट कंप्लीट करेंगे तो वन क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज वो हाफ में आएगा। इस तरह हमने तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट आपके पास कहां से आएगा? 2 और 8 से। चैप्टर नंबर 2 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ऑफ लाइफ, व्हाट आर पॉलीगोसिक्रोइड्स, डिस्क्राइब इट्स टू टाइप्स, यहां पे डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये हो गए हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के। और चैप्टर नंबर 8 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, हम आपके पास डिस्कस टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फंजाई, और डाइट एनी 4 इकोनॉमिक्स गेन्स ड्यू टू फंजाई, एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स लॉसेस ड्यू टू फंजाई। यहां पे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपके पास पेयरिंग बनेगी वो बनेगी 6 और 9 के साथ, 6 और 9 की। 6 वाला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस फ्लैजिला, डिस्क्राइब इन डिटेल न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कस ग्रोथ एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के कंप्लीट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके साथ आते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के हमारे पास डिस्क्राइब्स लैंड एंडप्शंस एंड बायोफेट्स, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर 1, 14, 2, 8, 6 और 9 भी अच्छे तरीके से कर लें तो आप इजिली क्वेश्चन तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट, ये आएगा आपके पास 5 एंड 11 से, ठीक है। 5 वाले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं आपके पास, डिस्क्राइब लाइफ सर्कल ऑफ बायो फेज, डिस्कस एनी 2 केसेस बाय वायरसेस, ड्रा गिव अ स्केच ऑफ इन्फेक्शंस साइकिल ऑफ HVI। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है चैप्टर 5। और चैप्टर 11 के जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं आपके पास, डिस्क्राइब वाटर एज इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्केच नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशंस, स्केच पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और चैप्टर नंबर 9 का ए और बी पार्ट आपके पास आएगा हमारे पास चैप्टर 4 में से और चैप्टर 12 में से। चैप्टर नंबर 4 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपके पास, जल्दी जल्दी सुन लें यार, नमाज का टाइम हुआ है, बल्कि जुमे का टाइम हुआ है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद एंडो रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके बाद हमने बात करनी है चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज की, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चंस की। 12 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वेंशंस इन प्लांट्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन एम्बिया। यहाँ पे हमारे पास 1 to 7 हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसको आप अच्छे तरीके से करें, इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 90+ मार्क्स इन FSC बायोलॉजी इन 2019।